welcome. Oh. Welcome both of you. मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ वो पैकिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया इसीलिए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शादी के बाद पहली बार घर आए हो ना बेटा, शगुन कर रही हूँ। अंदर आ। अंदर चलो बेटा। कैसे हो भाई? बेटा हम दोनों ने सोचा कि आज अपनी प्यारी बेटी को हम लेने चलेंगे। शामू चाचा क्यों नहीं आए? बेटा वो तुम्हारे शामू चाचा। कोई ना, तुम्हारे शामू चाचा को बहुत जरूरी काम था, उन्हें रत्ना आंटी को कहीं लेकर जाना था। कहाँ लेकर जाना था रत्ना आंटी को? बेटा वो तो पूछ नहीं सकते ना। क्यों नहीं पूछा? कोई ना, ऐसी बात में पूछना अच्छा नहीं होता बेटा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझसे ये पूछो कि आज मैंने क्या फैसला किया। मैंने फैसला किया है कि हम आज साथ में रहेंगे, साथ में घूमेंगे, पार्क जाएंगे, झूला झूलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिल्म देखेंगे, उसके बाद होटल में खाना खा के घर जाएंगे। वाह बाबा, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर शामू चाचा भी होते तो और भी मजा आता ना। हाँ बेटा चल। बस बस भाई साहब यहाँ रुको, मैं जाके सब शामू चाचा को कहकर आऊंगी। कोई ना रुक जा। अरे कोई ना बिटिया, आ गई तुम? हाँ पता है आज हम बहुत घूम कर आए। अच्छा? हमने आइसक्रीम खाई, सर्कस देखा, झूले पर बैठे। मैं अभी शामू चाचा को जाकर सब बताती हूँ। चाचू। अरे कोई ना, कोई ना, क्या बात है बेटा? शामू चाचा अभी तक नहीं आए? वो अब यहाँ नहीं आएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि वो अब तुम्हारी रत्ना आंटी के घर रहने चले गए हैं। क्या? लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वो नहीं जाएंगे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है ना श्याम, अगर किसी नई जगह जाओ तो लगता है कि नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आंखें बंद करके कोशिश करो तो आ जाती है नींद। नहीं फिर भी नहीं आएगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि नींद नहीं आएगी? क्योंकि कोयना की याद आ रही है।
तो भूल जाओ ना कोई ना को। क्या बोली? कोई ना को भूल जाओ? श्याम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसे हमेशा के लिए भूल जाओ, सिर्फ कह रही हूं कि अभी इस वक्त भूल जाओ जिससे चैन की नींद आ जाए। कैसी बातें करती हो तुम, कैसा सोचती हो, नींद नहीं आ रही तो कोयना को भूल जाओ, सांस भी नहीं आएगी ना तब भी मैं कोयना को नहीं भूलूंगा, समझी? जानती हो कौन है कोयना? मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो, उसके बिना मैं जीने के लिए सोच भी नहीं सकता हूं। आज तो कह दिया तुमने, तुम्हारा कभी मत कहना ऐसा, समझी? एक राज की बात बोलो। क्या बात? जब तुम इस तरह नाराज होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि नाराज तो आदमी हर किसी से नहीं होता है ना, सिर्फ उसी से होता है जो उसे बहुत अपना लगता हो, है ना? मुझे नहीं पता। तुम झूठ बोलकर मुझे सताने की कोशिश कर रहे हो, है ना श्याम? तुम इतना बन बन कर ये जो चालाकी दिखा रहे हो, उतनी चालाक नहीं हो तुम। और जितना तुम मुझे भोला समझती हो ना, उतना भी भोला नहीं हूं। तो बत्ती बुझा दूं? बुझा दूं। और सो जाओ, मैं जरा बाहर की ताजी हवा खा के आता हूं। रत्ना? हाँ माँ। आओ बेटा बैठो। हाँ बैठ। हाँ माँ। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। तुम दोनों यहाँ ठीक तो हो? हाँ माँ ठीक ही है, लेकिन लेकिन शाम को यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? मैं खुद उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बात करूं। माँ हम ठीक हैं, बल्कि माँ मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पास वापस आके, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मां शाम के लिए ये सब बिल्कुल नया है, उसे ऐसे रहन सहन की आदत नहीं है। मां इस वक्त चिंता तो मेरी कुछ और है। क्या बात है बेटा? मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ? मां असल में श्याम रघु की फैक्ट्री में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत जी जान लगाकर काम कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर यही मेहनत वो किसी और के लिए करता तो। लेकिन किसी और के लिए क्यों रत्ना? अपने लिए क्यों नहीं? श्याम तुम्हारे डैडी का बिजनेस भी तो संभाल सकता है। तुम मुझसे कहो ना कि वो डैडी से बात करे। तुम कहोगी ना डैडी का बिजनेस? ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन डैडी मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हें
एक बार शाम से कहो तो डैडी से बात करने के लिए। माँ मैं बात करूंगी, मैं खुद बात करके देखती हूँ। माँ थैंक यू, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कोई ना बेटा, ये ले जूते पहन ले, स्कूल के लिए देर हो रही है बेटा। बाबा मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा है। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्योंकि श्यामू चाचा के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बाबा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। अगर तू स्कूल नहीं जाएगी तो अपने श्यामू चाचा की अच्छी गुड़िया कैसे बनेगी? हाँ मैं सिर्फ श्यामू चाचा के साथ जाऊंगी। लेकिन श्यामू चाचा तो है नहीं बेटा। क्यों नहीं है? उन्हें यहाँ होना चाहिए, उन्हें मुझे स्कूल छोड़ना चाहिए। अच्छा आज बाबा के साथ स्कूल चली जा, हो सकता है कल तेरे श्यामू चाचा आकर तुझे स्कूल ले जाए। जब आपको पता है ऐसा नहीं होने वाला है तो क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं बच्ची को? झूठी तसल्ली कहाँ दे रहा हूँ चाचा, मैं तो इसलिए ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मैं शाम को अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे ये यहाँ श्यामू चाचा कर रही है, वैसे ही वो वहाँ इसे याद कर रहा होगा। उसका कोई भरोसा नहीं, वो अचानक यहाँ पहुँच सकता है कभी भी। हाँ ये तो है। मैं अभी आया। बेचा बाबा की बात मान लो, आज तुम बाबा के साथ ही स्कूल चली जाना। लो। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बाबा के साथ जाओ। मैं सिर्फ चाचू के साथ जाऊंगी। कोई ना मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। तुम नहीं चाहती कि मैं श्यामू चाचा के साथ रहूं। ए मेरी गुड़िया, ए मेरी कोयना। सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई है। ये रहा तेरा चॉकलेट। मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों बेटा, क्यों बात नहीं करती? क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने वादा किया था कि तुम रत्ना आंटी के घर नहीं जाओगे, और जब मैं स्कूल गई थी तो चुपके से रत्ना आंटी के घर चले गए। तेरा श्यामू चाचा मजबूर हो सकता है कोई ना, झूठा नहीं। बेटे मैं तेरी रत्ना आंटी के पास अपनी मर्जी से नहीं गया हूं, मुझे वहां भेजा गया है। जो भी हो तुम गए थे ना? हाँ गुड़िया, मैं वहां गया हूं, मैंने अपना वादा तोड़ा। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी गुड़िया से किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। हाथ जोड़ता हूं, कान पकड़ता हूं, माफ कर देना। ठीक है चले। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी चॉकलेट? चॉकलेट भी लगी? ले, मुझे लगा था आज की चॉकलेट बच गई। मालविका समझ में नहीं आता, इतने एडवांस में कहा गया था, अभी तक ऑर्डर तैयार क्यों नहीं हुआ? You know those clients are so particular. अब कल हम उनसे क्या कहेंगे? पता नहीं। कल डिलीवरी का टाइम हो गया है अभी। ये बड़ा-बड़ा एक काम करो तुम। ये ऑर्डर सिला पकड़ के भी आ रहा है। ये काम करवाएं। श्याम? हाँ भाभी। क्या है? तुम यहाँ? ऐसे क्यों देख रही है? मेरे सर पे सिंग निकल आई क्या? एक नहीं बाबा, मुझे नहीं पता था तुम फैक्ट्री आओगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आऊंगा, मेरी फैक्ट्री है भाभी। नहीं अब तो तुम अपने, मेरा मतलब है वर्मा साहब के यहाँ रहने गए हो ना, इसलिए। भाभी मैं वर्मा साहब के यहाँ रहने गया हूँ, मकान बदला है, काम नहीं। आपको क्या लगता है मैं बदल गया हूँ?
मैं वही श्याम हूँ भाभी, पहले वाला। श्याम? हाँ। अरे कि भाई क्या हुआ? मुझे मालिका ने बताया कि तू फैक्ट्री में आया, इसलिए मैं दौड़ा चला है। अरे यार फैक्ट्री में मैं आया हूँ, कोई सेल टैक्स वाला नहीं कि दौड़ता हुआ आ गया। नहीं मुझे लगा तू कोयना को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा वर्मा साहब के यहाँ लौट जाएगा। तुम लोग मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो फिर भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो हैं? कैसे सोच लिया कि मैं रघु के दोस्त से इतनी जल्दी वर्मा का दामाद बन जाऊंगा? अरे मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता हूँ यार, तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे सोच सकता हूँ? तुमसे तो मेरी पहचान है। श्याम ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ भाभी, अगर कागज की एक तरफ मेरी तकदीर लिखी है तो उसी कागज के दूसरी तरफ आप लोगों की, क्या इन तकदीरों को अलग किया जा सकता है? नहीं श्याम, हमें और तुम्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जानता है जब मुझे एहसास हुआ कि तू फैक्ट्री नहीं आएगा ना, तो मेरा भी काम करने का दिल ही नहीं किया। अरे अगर मुझे फैक्ट्री छोड़नी होगी ना तो चुपचाप नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तुझे बताऊंगा। कोई फैक्ट्री छोड़कर नहीं जाएगा, सबने मिलकर काम शुरू किया है और सब मिलकर काम करते रहेंगे। यस। अब ये मस्ती छोड़ो और जाकर काम पर लग जाओ जल्दी। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? नहीं वो ऑर्डर।